से हमारे सब्जी भी खाती हूँ मैं, सब्जी भी खाती हूँ, डेली लेती हूँ। अब तो मेरी माँ से मिलवाओ। निम्मो जी से मिली आप। हाय, हमारा घर है, हमारा घर ये है बेटा। अच्छा, ये मेरे हाउस है। यार ये तो अच्छे, वो अपना बनाना है उसमें आकर। ओहो, मेरे घर को। ये भी था एक बैचलर हमारे पास, इसको भी हम कुछ कर हड़प सकते थे। इसकी शादी इससे करा दे तो कैसा लगेगा। Guys, चौथा सीन इज हैपनिंग। रोनित सर, वी विल मिस यू। हंस मत, रोना है पागल तुझे। डर गई। बेचारी विक्रम को देख के कॉन्शियस हो गई। आंसू ले लिए, आंसू। लोग कहाँ से आते हैं जो सेट पे भी सोते रहते हैं। यार शॉट तैयार है, रोना है, इतने इमोशंस हैं, सब कुछ है। इन महाराज की तो इतनी लाइंस है, बट मम्मा उडारिया का पूरा शो सुना देंगे आज नकुल और मेरे बच्चे को। उडारिया की स्टोरी काफी लंबी है गाइस। तो बहुत सही दिख रहा है, मत रो, जिंदगी में खुश रहना। कौन है वो जिसने हमारे बिना मम्मी को पापा का अंतिम संस्कार करने दिया? कौन है वो? कौन है वो जिसने मम्मी के साथ गाइस, सेटिंग चल रही है, बैक टू बैक सीन्स लग रहे हैं आज और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं इसी की बात करी बस। एनी वेज गाइस, कीप वॉचिंग स्वर्ण घर, दैट्स इट। ये वो वाला सीक्वेंस है जब स्वर्ण लेक में डूबती होती है और अजीत उसे बचा के लेके आता है घर। शाइन कैसा लग रहा है? तुम क्यों ब्लश कर रहे हो? ब्लश मुझे करना चाहिए, ब्लश मुझे करना चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो? ब्लश कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ टिप्स मिले जिंदगी के, की किसी से जिनकी मैं फैन हूँ काइंड ऑफ। यहाँ पे स्वरण और अजीत घर के अंदर आ गए हैं, सेंटी सीन चल रहा है और मैं और ये चिल कर रहे हैं। निम्मो घर तो सेक्सी है तुम्हारा। नेक्स्ट डे अनदर सीक्वेंस। अरे तुम्हें वो घर मिलेगा, सिर्फ छत यूज हो पा रही है तुम्हारी। अच्छी माँ होगी तो कहती है कि घर के साथ और प्रॉपर्टी भी, तो और बड़ा कर लो। ये अपनी माँ को पहला से करवा रहे हैं। एक तो अभी घर बना भी नहीं है निम्मो का। खोखला वो भी। तो यहीं खड़े होके मम्मा प्लानिंग कर रही थी कि स्वर्ण घर कैसे हड़पेंगे। नाइस। गाइस, एक सीन था, इतने पराठे खा दिए ना कि मतलब अभी मैं नींबू पानी पिया है और अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। मतलब दिस इज हाइट्स, आई मीन ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे खरड़ की वादियाँ।
और अपना स्वर्ण घर और अपना मोहल्ला एक्चुअली। गाइज आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई इन दिनों, व्लॉग नहीं बन रहे हैं, बट यू हैव टू सपोर्ट मी एंड कीप वॉचिंग स्वर्ण घर ऑन कलर्स टी वी एट 8:30 मंडे टू फ्राइडे। अरे हमारे सेट पे हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। मुझे पागल करार दिया, मैं चुप रही, पर तुमने मेरे बेदी साहब को चोर कहा। तुम लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रात के 1 बजे स्वर्ण घर शूट करते हुए कैसा फील कर रही हो? खा लेना, लेकिन खाने लायक बहुत ही गंदा है। गाजर का हलवा इतना टेम्पटिंग लग रहा था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसने तो 2 पूरियां खा ली है ब्रो, वो भी इतनी ऑयली। तुम इतना वो वर्कआउट करते हो, फिर तुमने गंदे 2 पूरियां खा ली, ज्यादा कंप्लेन कर। मोटा हो रहा हूं मैं, प्यार करूंगा। कट टू कट कल के एपिसोड कैसे, तब तभी 20 मिनट पता नहीं चल पाएंगे। यहाँ हमारा क्यूट सा युग नींद में है। नेक्स्ट डे अनदर सीन, और अनदर सीन के क्लोजेस चल रहे हैं। यू कैन एंजॉय डिटेल्स। तो पापा के तो जाते ही ना, तभी तो फिल्म में उसके लिए भी लिख के गए हैं, उसके हक में भी कुछ लिख के गए, शॉल लिख के गए हैं। ना पापा का प्लान था, प्लान और कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं? Guys, it's weird for you, but अभी हमारे युग के क्लोजेस चल रहे हैं और क्लोजेस ऐसे ही लिए जाते हैं जिसमें हमारे एसोसिएट डायरेक्टर क्यूज दे रहे होते हैं एंड वी हैव टू रिएक्ट, और अगर लाइन आती है तो लाइन बोलनी पड़ती है या सामने कोई नहीं है। एग्जैक्टली मम्मा बताओ ना, कौन है वो अजीत लाबा? मम्मा बताओ ना। Guys, please do let me know if you guys are enjoying watch our behind the scenes shots, so I'll capture more for you all. Do comment and let me know. प्यार देख रहे हो, प्यार किस तरह युग चला गया विक्रम के हेल्प करने। वाह गाइस, फिर पापा ने, अरे उन्होंने तो हमसे सब कुछ छीन लिया यार। यहाँ मुझे बताया जा रहा था थ्रू एडीज कि मेरे हेयर कितने अनटाइडी लग रहे हैं, सो उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। संतोष जी हो गया। चलो आज स्वर्ण घर की छत पे चल के नजारे देखेंगे। आउच। अरे 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 मून, क्या गिरने का कुछ किधर से आई है? हाँ डरा दिया मुझे। हमारा स्वर्ण घर खोखला है थोड़ा गाइस अंदर से, और स्वर्ण घर के जस्ट सामने आता है निम्बू हाउस। सो गाइस हमारे जितने भी एक्सटीरियर शॉट्स होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं, जो इंटीरियर होते हैं वो अलग है। तो जिस टाइम मैं फुल वीडियो बनाऊंगी स्वर्ण घर की, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ण घर अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है।